टी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड आर इन द सेम इंडस्ट्री, द फॉर्मर इज इन नेगोसिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ द लेटर। तो मतलब जो टी लिमिटेड है वो ई लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है। टी लिमिटेड हुआ फॉर्मर और ई लिमिटेड हुआ लेटर, ठीक है। तो ये एक्वायरर होगा और ये टारगेट कंपनी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू कंपनीज एज पर देयर लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे कि ये टी कंपनी से रिलेटेड है और ये ई कंपनी से रिलेटेड है। 10 रुपये का फेस वैल्यू शेयर है, कितना कितना है। टी लिमिटेड का 12 लाख शेयर्स है, ई लिमिटेड का 6 लाख शेयर्स है। अब इनके डेट के बारे में बता रखा है, इसके पास डेट है 580 लाख का, इसके पास ई लिमिटेड के पास 240 लाख का डेट है। और ई बी आई डी ए टी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना दे रखा है, 400.86 का, और इसका 115.71 का। और मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है 220 रुपये और 110, यानी प्री मर्जर है ये। ये क्या है, प्री मर्जर इन्फॉर्मेशन है। प्री मर्जर मार्केट प्राइस कितनी है, इसकी 220 है और इसकी 110 है। फिर लिखा आगे कि टी लिमिटेड प्लान्स टू ऑफर अ प्राइस फॉर ई लिमिटेड बिजनेस एज अ होल विच विल बी 7 times ई बी आई डी ए टी रिड्यूस्ड बाई आउटस्टैंडिंग डेट टू बी डिस्चार्ज बाई ओन शेयर एट मार्केट प्राइस। कह रहे हैं कि जो ऑफर जो टी लिमिटेड ने दिया है ई लिमिटेड को, टी लिमिटेड कौन हुआ, एक्वायरर हुआ ना, तो टी एक्वायरर ने टारगेट कंपनी को ऑफर दिया, ये ऑफर दिया है कि मैं आपको कितने पेमेंट करूंगा और किस तरीके से पेमेंट करूंगा। देखो वो दे रखा कि कह रहा है कि आपका जो भी ई बी आई डी ए टी है उसका 7 times मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है, उसका 7 times मैं आपको कंसिडरेशन पे करूंगा, लेकिन उस कंसिडरेशन में से जो आपका जो डेट है ना वो मैं लेस कर दूंगा। तो 7 into ई बी आई डी ए टी लेस डेट, और पेमेंट तो करूंगा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में करूंगा, किसमें कंसिडरेशन, किसमें पे करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स में। अच्छा इस ये जो कंसिडरेशन है इसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स में आप पे करोगे, तो जो भी कह रहा है कि जो भी मेरी मार्केट प्राइस है ना, मेरे शेयर की कितनी है मार्केट प्राइस, ये कह रहा है 220 रुपये की मार्केट प्राइस है, तो जो मैं अपनी शेयर की मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं नंबर ऑफ शेयर पे करूंगा, यानी टोटल अगर इतनी अमाउंट आती है तो डिवाइड बाई 220 कर दूंगा मैं। ये कहना चाह रहा है कि मैं अपनी जो अपने शेयर की जो मार्केट प्राइस है उस अकॉर्डिंग आपको मैं नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा। टी लिमिटेड तो ये कह रहा है। अब ई लिमिटेड देख लेते हैं एक्वायरर क्या चाह रहा है। एक्वायरर चाह रहा है कि ई लिमिटेड इज प्लानिंग टू सीक 1 share इन टी लिमिटेड फॉर एवरी 2 shares इन ई लिमिटेड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस। कह रहा है कि टी ई लिमिटेड है, ई लिमिटेड ने बोला कि भैया देख मेरी मार्केट प्राइस है 110, तेरी मार्केट प्राइस है 220, यानी तेरी मार्केट प्राइस मेरी मार्केट प्राइस के 2 गुनी है ना, यानी मेरे को अपने मेरे को मेरे 2 share के बदले तू मेरे को अपना 1 share इशू कर दे, ठीक है, तो दोनों का सेम हो जाएगा, 2 share मेरा यानी इसके टोटल मार्केट प्राइस 220, तू अपना 1 share देगा मतलब 220, तो 220 220 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इसने एक्सचेंज रेशियो बनाया 1:2 का। और जो टैक्स रेट है दोनों कंपनी का कितना है, 30% का टैक्स रेट है। अच्छा अब ये ई कंपनी है जो ई जो टारगेट कंपनी ने जो ऑफर दिया उसके हिसाब से नेट कंसिडरेशन कैसे बन रहा है। देखो 6 लाख का शेयर है, इसके टोटल शेयर 6 लाख है, और 6 लाख शेयर का मार्केट वैल्यू कितना हुआ, 6 लाख into 110, ये नेट कंसिडरेशन हो गया, इसकी तरह ये नेट कंसिडरेशन हो गया। और कितने नंबर ऑफ शेयर देगा भाई, तू अपने मार्केट बेस अपने मार्केट जो प्राइस है उसके बेस पे तू नंबर ऑफ शेयर इशू कर दे, तो मार्केट प्राइस इसका है कितना, 220। देखो दोनों केस में जो मार्केट प्राइस है टी लिमिटेड का उस बेस पे ही नंबर ऑफ शेयर इशू हो रहे हैं, ठीक है, बस नेट कंसिडरेशन है वो दोनों में चेंज हो रही है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंड शो द फॉलोइंग अंडर बोथ अल्टरनेटिव्स टी लिमिटेड ऑफर एंड ई लिमिटेड ऑफर। तो टी लिमिटेड ऑफर और ई लिमिटेड ऑफर इन दोनों की ऑफर के अंडर आपने को ये 4 चीज़ें बतानी है, ठीक है, कि मतलब अगर टी लिमिटेड का ऑफर लेंगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी और ई लिमिटेड का ऑफर लेंगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहला है नेट कंसिडरेशन पेबल। तो सबसे पहले हम टी लिमिटेड का ऑफर लेकर के चारों की वैल्यू निकालेंगे, फिर ई लिमिटेड का ऑफर लेकर फिर चारों की वैल्यू निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहले टी लिमिटेड के उसमें नेट कंसिडरेशन पेबल क्या है, देखो टी लिमिटेड ने तो ये बोला कि मैं इस तरीके से करूंगा, तो इसका नेट कंसिडरेशन कितना हुआ, 7 into EBDIT - Debt। तो EBDIT कितना है इसका, 400.86 है, तो 400 ये टी लिमिटेड नहीं, ई लिमिटेड का है ना ये, तो टी लिमिटेड ने बोला कि ई लिमिटेड का होगा
जो तेरा ये होगा उसका मैं 7% दूंगा, तो ये ई लिमिटेड का काउंट होगा ना, तो ई लिमिटेड का कितना है 115.71, तो 115.71 इंटू 7, फिर जो भी आया ये आ गया, इसमें से क्या किया डेट लेस कर दिया, डेट इसका है कितना 240 का डेट, तो 240 हमने लेस कर दिया, आंसर कितना है 569.97, यानी नेट कंसिडरेशन पेबल कितना है 569.97, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय टी लिमिट, तो टी लिमिट कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, यार ये तो रहा ना, अब ये जो भी वैल्यू आई कितनी आई 569.97 ऊपर की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 220 कर दो नंबर से निकालेंगे, तो ये देखो 569.97 डिवाइड बाई 220 कितना आ गया 259,59,000 शेयर इशू करेगा, ठीक है। अब हमें हमसे पूछ रहा है ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछ रहा है, पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला तो ये होता है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ ई डिवाइड बाई शेयर ऑफ टी लिमिटेड प्लस शेयर इशूड बाई टी लिमिटेड, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टी कितना है नहीं पता, यहाँ पे नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। अच्छा ई का तो पता होगा, ई का भी नहीं पता है, दोनों का निकालना, तो चलो दोनों का साथ में ही निकाल लेते हैं फिर, तो टोटल देखो ई बी आई डी ए टी दोनों का दे रखा इतना इतना है ना। अब इसमें से क्या लेस करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स तक पहुँचने के लिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट लेस कर दो, तो इंटरेस्ट लेस करेंगे, इंटरेस्ट 10 इसका 10% 580 का कितना हुआ 58, 240 का 12.5% कितना हुआ 30 लाख, तो हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया, तो आ गया आंसर 88.00, और अगर इंडिविजुअली लेकर के चले तो इसका 342.86 आया, इसका 85.71 आ गया, सॉरी इंटरेस्ट लेस करके ये आंसर है, ठीक है। अब इंटरेस्ट लेस कर दिया, अब डेप्रिसिएशन लेस कर दो, लेकिन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी फिगर कुछ दे कुछ बोल ही नहीं रखा था, हम एज्यूम करेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना है नील, डेप्रिसिएशन है जीरो, तो हमने डेप्रिसिएशन भी जीरो माइनस किया, तो आंसर तो वही आएगा, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन दिखाया नहीं कि जीरो माइनस किया हमने, फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें निकालना अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो हमने हम अर्निंग बिफोर टैक्स तक पहुँच गए हैं, तो अब इसमें से टैक्स लेस कर दो, तो इसमें से 30% का टैक्स लेस कर दो, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें मिल गया, कितना मिल गया टोटल 300 का, और यानी अगर अलग अलग करें तो 240 प्लस 60, तो देखो कितना हो गया 240 प्लस 60 रुपये का अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल गया हमें। अब टी लिमिटेड का शेयर कितना है, टी लिमिटेड का शेयर भाई 12 लाख का शेयर है, और ई लिमिटेड शेयर ई लिमिटेड टी लिमिटेड कितना शेयर इशू करेगा टी लिमिटेड, टी लिमिटेड कितना शेयर इशू करेगा ई लिमिटेड को। अब एक्सचेंज रेशियो क्या था, एक्सचेंज रेशियो तो कुछ था ही नहीं, हाँ लेकिन हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना कि जो टी लिमिटेड है कितना शेयर इशू करेगा, तो हमने कितना शेयर निकाला था 2,59,000, तो प्लस 2,59,000 कर दो, अब डिवाइड करके आंसर निकाल दो, आंसर निकालोगे तो आपका कितना आएगा 20.56, कितना आएगा 20.56, तो ये आपका हो गया पोस्ट मर्जर ईपीएस, ग्रेट। अब हमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन के बाद जो टी लिमिटेड है उसका मार्केट प्राइस आपको निकालना है, यानी पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना आपको टी लिमिटेड का, क्या निकालना, पोस्ट मर्जर एमपीएस, ठीक है। अब देखो एमपीएस निकालने का फॉर्मूला किससे ड्राइव होता है, एमपीएस निकालने का फॉर्मूला तो पीई रेशियो से ड्राइव होता है, ठीक है। तो अब पीई रेशियो देखो पोस्ट मर्जर, पोस्ट मर्जर में आते हैं, पोस्ट मर्जर में ये रेशियो है, तो हमें क्या हमें ईपीएस पता है, हाँ अभी पोस्ट मर्जर हम मर्जर के बाद एक्विजिशन के बाद हमने निकाला ना कितना है 20.56, जी ईपीएस की जगह हमने लिख दिया 20.56। अच्छा एमपीएस तो हमें निकालना ही है, तो पीई क्या है, फिर पीई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लेकिन पीई की एक करेक्टरिस्टिक होती है कि प्री मर्जर जो पीई है वही पीई आपका पोस्ट मर्जर भी रहेगा, तो हम एक बार पीई प्री मर्जर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है यहाँ पे पीई निकाल रहे हैं हम लोग, प्री मर्जर पीई निकाल रहे हैं, तो प्री मर्जर ईपीएस कितना है, प्री मर्जर ईपीएस तो देखो दे रखा है कोई प्री मर्जर ईपीएस, नहीं जैसे हमने पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाला उसी तरीके से हमें प्री मर्जर ईपीएस निकालना पड़ेगा, यानी प्री मर्जर ईपीएस कैसे निकालेंगे हम अलग अलग करके। तो टी लिमिटेड का ईबीआईडीएटी ये रहा,
इसमें से फिर हम इंटरेस्ट लेस करेंगे, फिर इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे, तो हमारा अर्निंग आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से डिवाइड कर देंगे जो नंबर ऑफ शेयर है 12 लाख से, तो आपका ईपीएस बिफोर मर्जर आ जाएगा। तो ये देखो 400.86 है, इसमें से फिर हमने 58 जो इंटरेस्ट है वो लेस किया, क्योंकि 580 का 10% इंटरेस्ट है 58, ये रहा 58, या सीधा यहाँ से यहाँ पे हमने इंडिविजुअली ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वहीं से वही चीज वही फिगर तो हम यहाँ पे ले गए। देखो 400.86 58 342.86 आ गया, इन दोनों को लेस करके फिर इसमें से टैक्स लेस कर रहे हैं 10.28, तो बचेगा कितना 240 बचेगा। अब 240 अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब 240 में से को हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर है कितने टी लिमिटेड के 12 लाख, तो हमने डिवाइड कर दिया 240 डिवाइडेड 12, तो आया कितना आंसर डिवाइड बाई 12 लाख से कर दो, तो आंसर आ गया आपका, ये भी लैक्स में 240 भी, आंसर आ गया आपका 20। तो हमने ईपीएस यहाँ पे 20 डाल दिया, एमपीएस कितना था प्री मर्जर, यहाँ पे लिखा हुआ ना 220, तो 220 डाल दिया, तो पीई कितना आ गया प्री मर्जर 11, यानी जो पीई जो आया है प्री मर्जर 11, वो पोस्ट मर्जर भी 11 ही होगा, यानी अब यहाँ यहाँ की वैल्यू हमें मिल गई 11। अब एमपीएस निकाल लो सॉल्व करके, एमपीएस कितना आएगा 226.16, तो हमारा एमपीएस ये भी निकल गया 226.16। लेकिन अब ये सारी कैलकुलेशन हमने सिर्फ टी लिमिटेड ने जो ऑफर दिया था उस बेसिस पे किया है, अब जो ई लिमिटेड जो ऑफर चाहता है उस बेसिस पे भी हमें ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ई लिमिटेड का याद रखना 6 लाख शेयर है, 110 रुपये मार्केट प्राइस है टी लिमिटेड की, और सॉरी ई लिमिटेड की 110 रुपये मार्केट प्राइस है और टी लिमिटेड की 220 रुपये मार्केट प्राइस है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नेट कंसिडरेशन पेबल। तो ये देखो 6 लाख शेयर है और 120 रुपये मार्केट प्राइस है, इसका फॉर्म इसको कंसिडरेशन पेबल करने का इसने क्या अपना फॉर्मूला बनाया था, इसने तो यही बनाया था ना फॉर्मूला 110 डिवाइड बाय 220, तो इसका नेट कंसिडरेशन था, तो नेट कंसिडरेशन कितना आ गया, हमने इंटू कर दिया सिंपल सिंपल जिसने हमें तरीका बताया था उसी में से निकल गया 660। और नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे यार, डिवाइड बाय 220 कर दो ना, तो इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 220 से, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर निकल के। अब ईपीएस निकालना है, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस हमें निकालना है, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस तो सेम ही होगा है कि नहीं, ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो निकल गया था इन दोनों का, जब हमने आपस में किया था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकल गया था। ये देखो यहाँ पे ना मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ई ए टी ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस ई ए टी ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर्स ऑफ, इधर लिखते हो शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस शेयर्स इशूड बाय एक्वायरिंग कंपनी, तो ई ए टी प्लस एक्वायरिंग कंपनी प्लस ई ए टी प्लस टारगेट कंपनी, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना निकाला था 300 निकाल लिया था, और इसका शेयर कितना है 12 लाख शेयर है एक्वायर कंपनी का, और कितने शेयर इशू करेगा ई लिमिटेड को, या ई लिमिटेड के पास शेयर है 6 लाख का, और इसका एक्सचेंज रेशियो स्टील ई लिमिटेड ने अपने लिए कितना बनाया 1/2 का बताया, यानी 3 लाख, मतलब इधर 3 लाख हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई ये 3 हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा, तो ये देखो 300 डिवाइड 15 करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 20, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आ गया आपका 20, ये है पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब हमसे पूछेगा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस यानी पोस्ट मर्जर जो मार्केट प्राइस है वो कैसे निकलती है, पोस्ट मर्जर क्योंकि फोर्थ पॉइंट में पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पूछा हुआ है, तो पोस्ट या पी ई रेशियो से तो निकलती है ना पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, तो ई पी एस कितना है पोस्ट मर्जर, ई पी एस अभी तो हमने निकाला है ई पी एस ये रहा 20, तो ई पी एस की जगह हमने 20 डाल दिया। पी ई रेशियो क्या है, पी रेशियो तो चाहे देखो मर्ज एंटिटी का जो पी रेशियो होता है वही तो इन दोनों का पी रेशियो होगा, तो मर्ज एंटिटी का है कितना 11 है, तो अगर जैसे हमने जो टी लिमिटेड है उसका जो पी रेशियो है वही मर्ज एंटिटी का होगा, और जो मर्ज एंटिटी का होगा पी रेशियो वही एक्वायरर कंपनी का टारगेट कंपनी जो भी है उसका होगा, तो इसका भी पी 11 है, तो हमने इंटू कर दिया तो कितना आ गया 220 हमारा क्या हो गया एमपीएस हो गया सिंपल। अब हमें एडवांटेज लिखा हुआ है, एडवांटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड,
एडवांटेज ऑफ एक्विजिशन टू टी लिमिटेड, कि टी लिमिटेड को एक्विजिशन करने से क्या एडवांटेज हुई, वो पूछ रहा है कि इसका मार्केट शेयर बढ़ गया, अब कंपटीशन को इसने अवॉइड कर लिया, जो पहले ई लिमिटेड के साथ का कंपटीशन चल रहा था वो अवॉइड कर गया, अब इसको एफिशिएंसी मिल जाएगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी, इसके कॉस्ट कम हो जाएंगे क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा, सिनर्जी भी मिलेगी, वही सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें।